पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। खतरे में हमारे पास तो ये न्यूज है कि उनको गवर्नर बनाया जा रहा है, और कौन से राज्य का बनाया जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना बात जरूर है कि पॉलिटिकल करियर कोई जिम्मेदारी मिलने से खत्म नहीं होता है। उन्होंने खुद ही दरवाजा बंद किया। आपको लगता है कि अगर आप अपने पिताजी को बोलेंगे कि आपके लिए दरवाजा बंद है तो पिताजी दोबारा उस दरवाजे पे जाएंगे? लेकिन हाँ, परिवार है, परिवार कभी भी एक हो सकता है। बीइंग अ वुमन, मैं कभी नहीं चाहूंगी किसी का परिवार टूटे। उम्मीद आज भी है कि आज नहीं तो 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद नेक्स्ट जनरेशन। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। पशुपति पारस की मुलाकात बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई थी, जिसके बाद से अटकलों का बाजार गर्म हो गया था और कहा जा रहा था कि जल्द ही पशुपति पारस को राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। उपेंद्र कुशवाहा को उनकी जगह भेजा गया, तो ऐसे में अब कई सवाल उठने लगे हैं कि अब पशुपति पारस का पॉलिटिकल करियर क्या होगा, क्या फैसला लेंगे, क्या विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं पशुपति पारस। इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवचानी मित्रा। आइए उनसे जानते हैं क्या होगा पॉलिटिकल करियर पशुपति पारस का, क्योंकि राज्यसभा जाना था लेकिन उनके जगह उपेंद्र कुशवाहा को भेज दिया गया। देखिए, जब कोई चीज़ नहीं मिलता इसका मतलब ये नहीं कि उनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म है या खतरे में है। हमारे पास तो ये न्यूज़ है कि उनको गवर्नर बनाया जा रहा है, और कौन से राज्य का बनाया जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना बात ज़रूर है कि पॉलिटिकल करियर कोई जिम्मेदारी मिलने से ख़त्म नहीं होता है। वैसे भी हम लोग विधानसभा चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पूर्व के केंद्र के मंत्री जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ दिनों पहले उन्होंने बताया, उससे पहले उन्होंने जेपी नड्डा जी से भी मिले हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समय के हिसाब से अगर न्यूज़ आप तक पहुँचे तो अच्छा रहेगा, लेकिन इतना बात ज़रूर है कि पूर्व के केंद्रीय मंत्री बोलते बोलते हमको भी नहीं अच्छा लग रहा है। अब मुझे लगता है कि बहुत जल्द हमको ऑनरेबल गवर्नर, जो है समय के अनुसार ही होता है, और हम लोग को उम्मीद है कि इस बार उनके साथ इंसाफ होगा और उनको उचित सम्मान जरूर मिलेगा। इस बार के लोकसभा चुनाव में तो तवज्जो नहीं दिया गया, तो क्या विधानसभा चुनाव में तवज्जो दिया जाएगा? देखिए, विधानसभा चुनाव में तवज्जो मिले ना मिले वो बात की बात है, लेकिन ऑलरेडी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि इस बार अगर एनडीए से उनको उचित सम्मान नहीं मिला तो अकेले वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और सीधा उन्होंने कहा है कि वो सारे सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, 20 सीट हो या 40 सीट हो या 45, जितनी भी हो वो हर जगह से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इससे कम से कम विश्वास आदमी एक बार करता है, और परिवार का हिस्सा होकर रहना किसको नहीं पसंद है। लेकिन अगर परिवार का हिस्सा होने के बाद भी अगर चीज़ें सही समय पर सही ढंग से नहीं हुई तो डेफिनेटली उस ढंग से हम लोग भी आगे का सोचेंगे। लेकिन बहरहाल तो यही मुझे पता है कि भाई उनको गवर्नर की कुर्सी ऑफर की गई है और वो बहुत जल्द गवर्नर बनने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त आप लोगों ने चिराग पासवान का सपोर्ट किया था, आपने भी कहा था कि हम चाहते हैं कि चिराग पासवान हाजीपुर से जीत जाए, लेकिन अब चिराग पासवान ने खुले मन से कह दिया है कि मैंने अपने चाचा के लिए दरवाजा बंद कर दिया है, अब कोई गुंजाइश नहीं। कोई बात नहीं, वो रिवेंजफुल एक्टिविटी में बिलीव करते हैं, हम लोग फॉरगिवनेस पे बिलीव करते हैं। हमें सिखाया नहीं गया, हमारे पार्टी का ये संस्कार ही नहीं है कि हम लोग बदला पुलकर रघु बन के रिवेंजफुल थॉट लाएँ और एकदम एक्सट्रीम रिवेंजफुल एक्टिविटीज सोचें। और अभी वो केंद्रीय मंत्री है, ऑनरेबल मिनिस्टर है, मुझे लगता है कि वो अभी तक अपने पिछले घावों को अभी तक भर नहीं पाए, अभी भी वो पुराने चीज़ों को बार बार कुरेत रहे हैं, बोल के उनको तकलीफ ज़्यादा हो रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि 5 साल काफ़ी होता है एक जिम्मेदारी मिलने पर, और 5 सालों में बिहार के जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाएं आपके तरफ उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के तहत आप कौन से ऐसे चीज़ का यहाँ पे शुरुआत करोगे जिससे कि विधानसभा चुनाव में लोग आपको एक नया चेहरे में देख पाएं। दूसरी बात, उनके पास इतने यंग सांसद हैं, कोई फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं आपके पार्लियामेंट पे जाके, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, भाई वो बिहार के लिए क्या कर रहे हैं? तो बिहार के लिए 8 के 8 के 8 मंत्री से मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग बिहार के जनता जितना विश्वास से आप सबको जिताया है मोदी जी के नाम लहर से ही हो या कुछ भी कारण से, एनडीए का सरकार जब बना है तो ऐसा उनके लिए एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बिहार के जनताओं के लिए करें, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लाएं, शिक्षा व्यवस्था ठीक करें और साथ में रोजगार लाएं। क्या आगे चलकर पशुपति पारस कोशिश करेंगे भतीजा को मनाने को? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमारा एक संस्कार का एक पार्ट है कि बड़े बुजुर्ग कितने भी नाराज है छोटे माफ कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जब चिराग जी ने खुद ही दरवाजा बंद किया, आपको लगता है कि अगर आप अपने पिताजी को बोलेंगे कि आपके लिए, अपने खुद ही दरवाजा बंद किया,
आपको लगता है कि अगर अगर आप अपने पिताजी को बोलेंगे कि आपके लिए दरवाज़ा बंद है तो पिताजी दोबारा उस दरवाजे पे जाएंगे? लेकिन हाँ, परिवार है, परिवार कभी भी एक हो सकता है। बीइंग अ वुमन, मैं कभी नहीं चाहूंगी किसी का परिवार टूटे। उम्मीद आज भी है कि आज नहीं तो 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद नेक्स्ट जनरेशन इस चीज को समझे। लेकिन फिलहाल जैसे उनके लिए दरवाजा बंद है तो हम लोग भी कोई दरवाजा खटखटाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक भी नहीं है। तो मतलब इधर से प्रयास नहीं किया जाएगा? क्यों करेंगे प्रयास जब दरवाजा ही बंद है? तो हम लोग को नहीं करना ना, हम लोग को ऐसा कोई बेनिफिट भी नहीं है और कोई लॉस भी नहीं है। वो अपने जगह पे सही है, हम लोग अपने जगह पे सही है। वो अपने माताजी को लेके बहुत ज्यादा इमोशनल है, डिसरेस्पेक्टेड है, भाई चलिए ठीक है आप अपने जगह बिल्कुल सही है, तो ये भी अपने जगह सही है कि अपने भाई के विचारधाराओं पे चल रहे हैं। ऑनरेबल इतने बड़े कैबिनेट मिनिस्टर क्या कहते हैं ये स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के विचारधाराओं पर चलने वाले, तो इनका भी अपने जगह पे कहना सही है, उनका भी सही है। तो अपने अपने सही जगह पे सही काम करें, बस उम्मीद यही। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस का पॉलिटिकल करियर क्या होगा, किस तरीके से उनकी पार्टी तैयारी कर रही है, इसकी पूरी जानकारी देते हुए नजर आ रही थी राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मिश्रा। तो साथ ही साथ चिराग पासवान को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही थी, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।